नमस्ते गाइस। तो भाई टीवीएफ ने पिछले एक महीने के अंदर अपने तीन मास्टरपीस शोज रिलीज कर दिए हैं, पंचायत, गुल्लक और कोटा फैक्ट्री। और अब फाइनली ये तीनों शोज रिलीज हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों शोज का रिव्यू देने वाला हूँ। और अब हम सबसे पहले उस शो की बात करते हैं जो कि अभी सबसे पहले रिलीज हुआ था, पंचायत सीजन 3। और भाई इस बार तो इस शो ने तहलका मचा के रख दिया है, क्योंकि इस पूरे शो के मीम पूरे इंटरनेट पे वायरल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इस सीजन के प्लॉट की बात करें तो भाई ये पूरा सीजन सिर्फ एक मुद्दे के ऊपर आगे बढ़ता है, जो कि है गांव की सड़क बनाना। और भाई ये मुद्दा सचिव जी और प्रधान जी के ऊपर एक बड़ी चुनौती लेके आता है, क्योंकि गांव की सड़क तभी बन सकती है जब विधायक जी चाहेंगे। और भाई पिछले सीजन में हमारे सचिव जी और हमारे प्रधान जी विधायक से लड़ चुके थे। लेकिन ये कहानी यहाँ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि गांव की सड़क बनाने की जिम्मेदारी गांव के एक दूसरे बंदे ने अपने कंधे पे ले ली होती है। और ये और कोई नहीं बल्कि अपने गांव का ब्रजभूषण है, एके बनराकस। और अपना बनराकस ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो आने वाले चुनाव में प्रधान बन सके। और भाई ये बंदा विधायक के साथ मिलके इस पूरे सीजन में जो खिचड़ियां पकाता है वो पूरे इस सीजन को एंटरटेन करने के लिए काफी है। लेकिन इसके अलावा भी इस पूरे सीजन में ऐसे काफी सारे मूवमेंट्स है जो कि आपको और भी ज्यादा एंटरटेन करेंगे, जैसे कि सचिव जी और रिंकी जी के बीच का लव एंगल, इसी के साथ साथ विधायक के कुत्ते और घोड़ों के साथ लव स्टोरी। और भाई इस सीरीज के एक अनसंग हीरो प्रहलाद, ये बंदा जब जब स्क्रीन पे आएगा ये आपको रुला के जाएगा। ओवरऑल ये सीजन काफी ज्यादा अच्छा था, कई कई जगह पे थोड़ा स्लो पड़ जाता है, लेकिन हाँ ये आपको देखना जरूर चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं टीवीएफ के इस महीने रिलीज हुए दूसरे शो की, जो कि पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट शो है, जिसका नाम है गुल्लक। ये शो इंडिया के सबसे अंडररेटेड शोज में से एक है। अगर आप इसके पिछले तीनों सीजन को उठा के देख लोगे तो भाई आप भी इसे मास्टरपीस कहोगे। और भाई इस बार इन्होंने अपना सीजन 4 निकाला और गुल्लक ने अपना काम फिर से कर दिया। इस सीरीज के हमें लगभग लगभग हर एपिसोड में एक नई कहानी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार के सीजन में हमने एक कहानी को 2 से 3 एपिसोड तक फॉलो किया है। और भाई कई बार तो ये इस सीजन में काम करता है और कई बार नहीं। इस सीजन में एक प्रॉब्लम यह रह गई कि ये अपने पिछले सीजन के मुकाबले उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन अगर फिर भी हम इस सीजन की बात करें तो भाई इस सीजन में एक मेन सेंट्रल प्रॉब्लम थी, जो कि था हमारे अमन मिश्रा की जवानी, जहाँ पे हमारा जो अमन मिश्रा है वो अब अपने टीनेज में पहुंच चुका है। तो अब वो थोड़ी सी वैसी वाली हरकतें कर रहा है, घर पे झूठ बोलना और अपने आप को थोड़ा बड़ा समझना। और भाई इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके ये पूरा सीरीज आगे बढ़ता है और हमें लगभग हर दूसरे तीसरे एपिसोड के बाद एक नई कहानी इंट्रोड्यूस कराई जाती है, और वो हर बार देखने को हमें अच्छी लगती है। लेकिन हाँ, इस सीजन का जो एंड था वो अपने पुराने सीजन्स के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की। और भाई ये सीरीज वहीं से शुरू होती है जहाँ से सीजन 2 खत्म हुआ था। वैभव और उसके सारे दोस्त आईआईटी और जेई की तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार हमें इस सीरीज में आईआईटी जेई स्टूडेंट के डे टू डे लाइफ के साथ साथ जीतू भैया एज ए टीचर की लाइफ भी हमें दिखाई जाती है, कि कैसे जीतू भैया का कैरेक्टर अपने स्टूडेंट के सुसाइड करने के बाद अपने अंदर एक मेंटल ट्रॉमा लिए जा रहा है और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है, ये कोटा में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट है उनकी लाइफ के एक इम्पोर्टेंट हिस्से पर रोशनी डालती है और बताती है कि आखिर वहाँ के स्टूडेंट आखिर किन किन प्रॉब्लम से जूझते हैं। और उसी के साथ ये सीरीज हमें ये भी दिखाती है कि आखिर इन स्टूडेंट को संभालने के लिए हमें जीतू भैया जैसे टीचर्स की जरूरत है, कि आखिर कैसे जीतू भैया जैसे टीचर्स इन स्टूडेंट की पर्सनल लाइफ से लेकर उनकी स्टडी लाइफ में मदद करता है और कैसे उनका एम अचीव कराता है। तो भाई ये था मेरा इन तीनों सीरीज को लेकर रिव्यू। तो भाई आपको ये रिव्यू कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और भाई आने वाले टाइम पे और भी मजेदार सीरीज आने वाली है, तो उन सबका रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करना। अब हम आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि मैं, आप और हम सभी सिनेमा के दीवाने हैं मिस्टर मैन।